हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट फेस्ट। आज मैं बना रही हूँ अंडा मसाला। रेस्टोरेंट में जैसे खाते हैं हम थिक ग्रेवी के साथ और चटपटी टेस्ट के साथ, इस तरीके का अंडा कड़ी बनाना बहुत ही आसान है। रेगुलरली घर पे यूज़ करने वाले सामग्री से इस तरीके का रिच थिक ग्रेवी वाला अंडा कड़ी बनाते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। इन सारी चीजों को अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। साथ में जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसी पेस्ट में मैं ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर। पैन में लेते हैं ऑयल, डालते हैं जीरा, कड़ी पत्ते, हरा मिर्च, अब डालते हैं चॉप किया हुआ ऑनियंस। इन्हें स्लाइटली ब्राउन होने तक हम फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए 10 मिनट में ये ऑनियंस फ्राई होके तैयार है। अब इसमें डालते हैं सारे मसाला का प्रिपेयर किया हुआ मसाला पेस्ट। इसमें टोमेटो भी हमने ऐड करके पीसा है। ये मसाले को ऑनियंस के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए हम सौते करेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब ये और ड्राई होने से पहले हम इसमें डालते हैं सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और चिकन मसाला मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आता है। सारे सूखे मसालों को अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक और सौते कर लेते हैं। अब ये मसाला थिक और ड्राई हो चुका है। इस मसाला बेस तक, इस स्टेज तक फ्राई होना बहुत ज़रूरी है। ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड एग्स। इनमें स्लिट्स लगाया है। अब ये अंडों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मसाले में कोट कर लेते हैं और 2-3 मिनट तक सौते कर लेते हैं। दो तीन मिनट फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। मैंने 2 कप पानी डाला है। एक बार मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे कवर करके 5 मिनट तक सिम होने रखेंगे। 5 मिनट के बाद अच्छे से उबाल आ रहा है। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला पाउडर। फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ गरम मसाला से बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आता है। 1 हफ्ते से ज़्यादा स्टोर ना करें गरम मसाला। फिर से इसे सिमर करेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट के बाद अच्छे से उबाल आ रहा है। ये अंडा मसाला बनके तैयार है। अब इसे फिनिश कर लेते हैं चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर से। मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए 10 मिनट के बाद कितने अच्छे से थिक ग्रेवी बनके तैयार है। आप इसे राइस, रोटी, नान, चपाती किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही थिक ग्रेवी है और मज़ेदार चटपटा टेस्ट के साथ है और बनाना कितना सिंपल है। आप भी इस तरीके से एग करी बना के जरूर ट्राई कीजिए। यह रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट फेस्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।